दोस्तों आज मैं आपको शम्मी के पौधे के बारे में बताऊंगा। ये पौधा तुलसी के पौधे जितना ही फायदेमंद है। इसके फल, पत्ते, जड़ और रस को चढ़ाने से शनिदेव के प्रतिकूल प्रभाव से बचा जा सकता है। घर में शम्मी का पेड़ लगाने से सुख, शांति व धर्म की प्राप्ति होती है। साथ ही ये नकारात्मक ऊर्जा से भी बचाता है। औषधि के क्षेत्र में इस पौधे की बहुत महत्व है। कई बीमारियों जैसे मानसिक विकार, सिज़ोफ्रेनिया, श्वसन मार्ग के संक्रमण, दाद में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके पत्तों की औषधि का इस्तेमाल एंटीसेप्टिक और पेचिश में किया जाता है। आयुर्वेद के अनुसार शम्मी के पौधे का इस्तेमाल शरीर के कफ तथा पित्त दोष को संतुलित करने में लाभकारी है। कहा जाता है कि शम्मी का पौधा भगवान शिव को प्रिय है और भगवान शिव पर जल अर्पित करते समय जल में शम्मी का फूल या पत्ता डालने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। शम्मी का पौधा घर में जरूर लगाना चाहिए। शम्मी पौधे के लिए उपयुक्त वास्तु दिशा दक्षिण दिशा है। जब भी आप घर से बाहर निकलें तो ये आपके दाहिने हाथ पर होना चाहिए। दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मेरा वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरा कोई भी नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाए। धन्यवाद।